अरे तो फिर बाद में इन्हें तेरे बाजू में बंदा बैठा है, देखा है? कौन है? पहले तो पिक्चर के बारे में जानना चाहिए, मूवी किस तरह की मूवी होने वाली है और किस तरह से दर्शक को प्रशंसा करने वाली है। देखिए, हमने ज़मीन से जुड़ी हुई एक बड़ी सिंपल सी कहानी, सॉरी भाई शायद एक फ़ोन उठा लूँ प्लीज़। वसीम ये फ़ोन ले ले, किसी का भी फ़ोन आए तो उसको बता देना यहाँ पे आना। जी, सबसे पहले तो पिक्चर के बारे में जानना चाहते हैं, भूरी इसके ऊपर कहानी बनी है, तो क्या है भूरी? हमने एक ईंट के भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों की कहानी है, जिसको आप महिला प्रधान फिल्म कह सकते हैं, ठीक है? और वो समाज के हर हिस्से को दर्शाती है। नारी का शोषण कहने को वर्षों से होता है और शायद आगे भी होता रहेगा, तो हम ना सिर्फ एक आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, एक हम चीज़ दिखाना चाह रहे हैं लोगों को कि ये चीज़ें आज भी गांव देहात में क्या शहरों में भी हैं, लेकिन गांव के परिवेश को रख के हमने ये फिल्म को बनाया। कुछ लगता है इससे बदलाव होगा? देखिए, सिनेमा बदलाव तो नहीं कर सकता, लेकिन एज ए मेकर हम लोग जो अपनी मन की बात है वो कहना चाहते हैं। तो मेरे मन में जो था मैंने इस फिल्म के माध्यम से रखा है। फिल्मों से अगर चीज़ें बदलने लगे तो समाज सच में बहुत जागरूक हो जाए, मुझे लगता नहीं बदलाव होगा, लेकिन हाँ लोग इस विचार को पसंद करेंगे जो विचार हमने रखा है, और उस विचार को पसंद किया गया ये हमारी जीत होगी। बॉलीवुड की मूवी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ऐसा मानते हैं, मैसेज पहुँचाने लोगों को, जी कोई भी इम्पोर्टेंट मैसेज पहुँचाना। देखिए, मैसेज एक वन लाइन हमने पकड़ी थी कि औरत और प्रकृति के साथ अगर आप खिलवाड़ करोगे तो अंत विनाश होगा, ये पूरी फिल्म उसी एक वन लाइन को दर्शाती है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है यार? मैंने ना एक बड़ी समझदार सी फिल्म बनाने की अपनी पूरी कोशिश की, अपना पूरा प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि लोग इस प्रयास को सराहेंगे, लोग इस प्रयास को पसंद करेंगे, और उन्होंने अगर पसंद भी किया तो फिर इस तरह की फिल्मों के लिए एक बार फिर रास्ता खुल जाएगा, जैसे एक बार पीपली लाइव ने रास्ता खोला था। तो एज़ फॉर रेफरेंस मैं इसको उसी लीग में कहीं देख रहा हूँ कि पीपली लाइव वाले लीग में ये कहीं आके लोगों को अट्रैक्ट करे। एक बात सेंसिबली कही गई है, कंटेंट बेस्ड फिल्म है जिसको आज का ऑडियंस देखना चाहते हैं। अब लोग कंटेंट बेस्ड सिनेमा को पसंद कर रहे हैं, तो मैंने भी इस फिल्म के जरिए वो कंटेंट लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा की। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच ब्रो। थैंक यू। सर, सबसे पहले जानना चाहिए कि पिक्चर के बारे में, आपका क्या किरदार है और किस तरह की पिक्चर होने? ये फिल्म एक्चुअली नारी का शोषण पर है, और जिस तरह के बड़ा तबका, ऊंचे तबके के लोग जो नीचे तबके के लोगों का जो शोषण करते हैं उसी पर है ये फिल्म, और उसी में मेरा किरदार है जो भी शोषण का एक हिस्सा है जो होता है, लेकिन बाद में होता ये कि शोषण करने वाला बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता है। जब कुदरत की मार पड़ती है तो चाहे कोई भी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा शख्सियत हो, चाहे वो पैसों के दबाव में शोषण करो या पैसों की ईगो में या स्वाभिमान में अगर वो शोषण कर रहे हो तो सब दब जाता है। तो इसमें सीधी सी बात ये है कि कुदरत सबसे बड़ी है,
और कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती, सच्चाई सबसे हमेशा सामने आती है और कोई भी हो कितना भी ताकतवर हो लेकिन सच्चाई के आगे किसी की नहीं चलती। जिस तरह से जो मुद्दा बताया गया है इसमें मैसेज है जो लोगों तक पहुंचेगा, कुछ लगता है बदलाव होगा या इस पे कुछ एक्शन लिया जाएगा शोषण के बारे में? अब ये बदलाव होगा या नहीं होगा वो हमारा फ़र्ज़ है, हमें फिल्म मिली, हमने स्क्रिप्ट पढ़ी, वो तो हमने बना लिया। अब कितना बदलाव होगा क्या होगा वो फिल्म देखने वालों पर डिपेंड करता है। क्या है कि असर कहीं ना कहीं तो ज़रूर करते हैं, कोई भी चीज़ आप करिए उसका अगर कोई अगर सही बात कही जाए वो कड़वी ज़रूर लगती है लेकिन उसका कहीं ना कहीं असर ज़रूर होता है। पिक्चर का पोस्टर देखा जाए या कहानी देखा जाए, स्क्रिप्ट देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सिमिलर पीपली लाइफ जो पिक्चर आई? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कतई ही नहीं हो, आपको कुछ सिमिलर नहीं लगेगा। अब क्या इतने पोस्टर छप चुके हैं वो कहीं ना कहीं सिमिलर रंग में सिमिलर सिमिलरिटी और सब आ सकती है, लेकिन भाषा वैसे बिल्कुल फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी आपकी एक्सपेक्टेशन है मूवी को लेकर? मैं तो चाहता हूँ अच्छी फिल्म है तो लोग देखें और देखना भी चाहिए। आपके अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट जो हमसे और भी है? हाँ जी, एक न्यूटन फिल्म की है मैंने, साइड ए साइड बी एक फिल्म है और लव बाई स्क्वायर फुट, ऐसी तीन फिल्में हैं अभी जो अभी ख़त्म की है मैंने। थैंक यू सो मच। जी मैं मध्य प्रदेश का हूँ जी। हाँ जी बिल्कुल वहीं का है, लेकिन सब जगह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में रहा हूँ, बिहार भी रहा हूँ मैं, यूपी में भी रहा हूँ, राजस्थान में भी रहा हूँ, तो आप कहीं का भी समझ लिए मैं हिंदुस्तान का हूँ सीधी सी बात। इलेक्शन पे नहीं, इलेक्शन पे नहीं गाया, मेरी आवाज़ में किसी और ने गा दिया हो या? हो सकता है क्योंकि पीपली लाइव में बहुत फेमस। हाँ पीपली लाइव में मैंने गाया था। क्या मतलब आवाम से क्या किस तरह की गुजारिश करनी पूरे देश के आवाम से कि क्या देख करके वो वोट दे, क्या देख के वोट दे अपने जो है जो भी खड़े हो रहे हैं? हाँ प्रतियोगी है वो। तो बस मैं तो ये चाहता हूँ कि जो सच्चा आदमी जो काम करने वाला है उसे देख के वोट दें कि उस उनसे वो आपकी कितनी मदद कर सकता है, आपके जीने में कितनी सहूलियतें पैदा कर सकता है, बस ऐसे लोगों को वोट दें, सीधी बात ही है। थैंक यू थैंक यू। एक मिनट मैडम, ये बन जाओ ना थोड़ा पोस्टर भी दिखा, बस 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 इधर एक मिनट रुको सर, एक कम क्लोज, कम क्लोज, या वन मोर अभी आपका सोलो 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 फिर आप कर रहे हैं आप पोस्टर के साथ रजा हो गया जरा अच्छा 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 मैडम इधर यूट्यूब पे तो ये मैंने मेरी शादी